हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो BHU एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये GK के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है। अगर इसके पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। तो देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य करने के लिए अशोक ने राजुक्यों को नियुक्त किया था। पहला ऑप्शन है राजस्व कार्य, दूसरा ऑप्शन है न्यायिक कार्य, तीसरा है धार्मिक कार्य, चौथा है सैनिक कार्य। तो अशोक ने जो बहुत ही अच्छा काम किया है वह है न्याय कार्य। तो न्यायिक कार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, और राजुक्यों को जो नियुक्त किया ये न्यायिक कार्य के लिए नियुक्त किया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आई होल शिलालेख निम्न में से किसका उदाहरण है। तो ये पुलकेशिन द्वितीय का उदाहरण है, मतलब आई होल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय का है। तीसरा क्वेश्चन है कि भद्सल या फिर भद्साल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है कि वह चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी कवि था, दूसरा ऑप्शन है वह नंद वंश का सेनापति था, तीसरा ऑप्शन है वह सीलोन के राजा द्वारा भेजा गया दूत था, वह गुप्त काल के समय का नाटककार था। तो भद्साल और भद्सल इनके नाम हैं, एक ही नाम है। तो इसकी अगर बात करें तो ये था नंद वंश का सेनापति, ये एक नंद वंश का सेनापति था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चार नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तिब्बत बौद्ध भिक्षु था जिसका जन्म रूस में हुआ। याद रखें, जिसका जन्म रूस में हुआ है और 13वें दलाई लामा का एक अच्छा साथी भी था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, अगवान डजोरियो। तो ऑप्शन सेकेंड इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म दो पंथ स्थविरवाद और महासंकास में बट गया था। तो कौन सी बौद्ध संगीत थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय बौद्ध संगीत। तो आपको कमेंट करने के बताना है कि द्वितीय बौद्ध संगीत ये कब हुई थी, किस सन में हुई थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। छठा क्वेश्चन है गलत कथन को बताइए, कौन सा कथन इनमें से गलत है उसको बताना है। पहला है कि भूमि के रिकॉर्ड रखने वाले अधिकारी को गुप्त काल में कांडिक कहा जाता था, दूसरा है कि फाहियान चंद्रगुप्त सेकेंड के समय आया था, तीसरा है मनुस्मृत में सर्वप्रथम भूमि द्वारा अधिकारियों को वेतन दिए जाने का उल्लेख है, और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी, मतलब जो भी कथन है ये सारे कथन गलत हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सात नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के अंत के बाद भारत में किस वंश ने शांति और स्थिरता दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा सातवाहन, सातवाहन वंश आया था, इसके राजा थे राजा सातवाहन। इन्होंने शीशे के भी सिक्के चलवाए हैं, शीशे के सिक्के चलवाए हैं राजा सातवाहन ने। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखें। आठ नंबर क्वेश्चन है कि प्रियदर्शिका का रचयिता, मतलब प्रियदर्शिका की रचयिता कौन है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजा हर्षवर्धन इसके रचयिता है, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है नौ नंबर, कौन सा मिलान सही नहीं है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा मिलान सही नहीं है। तो ये हो जाएगा एलिफेंटा, जो मौर्य है ये सही नहीं है। एलिफेंटा की गुफाएं गुप्त राजाओं ने बनवाई हैं, तो यहाँ पर मौर्य दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, गुप्त ने बनवाया है। बाकी एलोरा गुफा राजकोट ये सही है, महाबलीपुरम पल्लव वंश ये भी सही है, खजुराहो चंदेल ये भी सही है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। दस नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक चंद्रगुप्त मौर्य के राजग्रहण से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस इसका राइट आंसर है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। तो इसका राइट आंसर है तुंगभद्रा, ये नदी दक्षिण भारत में बहती है, दक्षिण भारत में बहने वाली नदी है तुंगभद्रा। और इसकी बात करें तो ये कहाँ कहाँ बहती है, कर्नाटक, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये नदी बहती है तुंगभद्रा नदी। बारह नंबर क्वेश्चन है कौन सा प्रदेश म्यांमार के साथ
सीमाएं साझा नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, म्यांमार के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है? तो सबसे पहले हम बता दें कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद अगर बात करें तो हो जाएगा नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश भी ऑप्शन में है, नागालैंड भी है, और मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम भी है और मणिपुर भी है, और उसके साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की समुद्री सीमा भी साझा करती है म्यांमार के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम ये सीमा साझा नहीं करता है अमेरिका के म्यांमार के साथ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है? फरक्का बांध परियोजना तो ये है गंगा नदी पर है, जो कि बांग्लादेश से कुछ ही दूरी पर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच संयुक्त उद्यम है, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा के बारे में भी बताया था कहाँ बहती है, तो अब यहाँ पर कह रहा तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, तो ये नदी है हमारी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 वर्ष इसका राइट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मंडल कमीशन किसकी सरकार में बैठाया गया, तो मंडल कमीशन की अगर बात करें तो मंडल कमीशन में मुरारजी देसाई की सरकार को नियुक्त किया गया था, तो मतलब मोरारजी देसाई की सरकार थी वहाँ पर, और इसमें ओबीसी को यहाँ पर 27% आरक्षण दिया गया था, 27% रिजर्वेशन दिया गया था मंडल कमीशन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। 17 नंबर क्वेश्चन है कि समाजवादी शब्द किस संशोधन के बाद जोड़ा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द याद रख लें, समाजवादी शब्द बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया है 1976 में, कब हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन, याद रखना है कभी नहीं बोलना है ये चीज़। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जो माल सामूहिक रूप से जनता द्वारा इस्तेमाल किया जाता है कौन सा माल कहलाता है? जो जनता द्वारा इस्तेमाल किया जाता है वह कौन सा माल कहलाता है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा सार्वजनिक माल इसका राइट आंसर है, सामूहिक रूप से जनता द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला माल पब्लिक गुड्स या फिर सार्वजनिक माल कहलाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किसमें पब्लिक सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्रचलित है? कौन सा पब्लिक सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांसपोर्ट इसका राइट आंसर है। और बात करें कि पब्लिक सेक्टर में निजी स्वायत्त होता है, ये आपको पता ही होगा, पब्लिक सेक्टर में निजी स्वायत्त होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा हमारा कासरगोड केरल। केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान का मुख्य कार्यालय कासरगोड केरल में है। अगर बात करें केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 1970 में हुई है, 1970 में इसकी स्थापना हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और भी वीडियो हम ऐसे ही लाते रहेंगे आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।